बंद कर दिया और गार्ड जो होता है वो गेट के बाहर खड़ा हो जाता है ऐसे कि कोई बाहर ना जा सके, जो भी अंदर आने वाला होगा वो आ सकता है क्योंकि वो इमरजेंसी हम नहीं छोड़ सकते हैं, है ना, उसको आने देना है। लेकिन यहाँ से कोई भी जाएगा सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, फिर कैमरे में जो लापता हुआ है उसकी लास्ट लोकेशन सर्च की जाती है कि भाई ये कहाँ से कहाँ निकला है। अगर वो हॉस्टल से बाहर निकल गया है हमारा काम खत्म, बोल देते हैं। अगर नहीं निकला है तो हम उसको घर बैठ जाऊंगे, बच्चे छोटी बहुत होते, छोटा सा बच्चा बाथरूम में लेकर बैठा हुआ है वहीं से खिड़की से बाहर कर देते हैं कई बार, तो आपको पूरा ढूंढना होता है, मिल जाता है पूरे दिन हमारा रिलैक्स हो जाता है, है ना। अब एक चीज और बताया, इसको कोल्ड रूम भी बोलते हैं क्योंकि जब कोई मरता है ना अजंत अंतरिक्ष में हो जाता है वो नीला रंग। ठीक, बच्चे डेली पिंक कलर के है ना, वो पिंक। अब अगला है कोल्ड रेड, आग लगने की स्थिति में या कोई भी हादसा हो जाए, दिवाली हो जाए कुछ, ठीक है, कोल्ड रेड अनाउंस वैसे ही करना है। इसमें गार्ड का काम ये होता है कि वो सारे अस्पताल से बाहर जाने के रास्ते खोल के रखेगा, भीड़ बीच में इकट्ठी होने नहीं देगा, और जिस जगह पे कोल्ड अनाउंस हुआ है रेड, जो फ्री होगा या जो पेशेंट के नहीं कर रहा होगा वो वहाँ पर रेड की बाल्टी, पानी की बाल्टी, कंबल, फायर एक्सटिंग्विशर, हमारा जो ये फायर जैसे वो लेके वहाँ पर पहुँचेगा उसको। अब यहाँ बारी आती है कि अगर मान के चलो ऐसे में आग लगती तो हम चिल्ला किए कि भाई आग तो लग गई है, लेकिन हमें बचाना क्या है। जैसे ही आग लगती है तो सबसे पहले तो उस एरिए का इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है वो बंद करना, है ना, लिफ्ट बंद करना, क्योंकि जो लिफ्ट का फंसा है वो निकल नहीं पाएगा। अब बचाने की बात, सबसे पहले हम बचाते हैं जान, हमारी भी और पेशेंट की, ठीक है, जान। अब यहाँ एक फर्क होता है कि एक पेशेंट अच्छा भला है, ऑक्सीजन उसको लगा हुआ है, बातचीत कर रहा है, दूसरा पेशेंट पेंटिंग कर रहा है, तो दोनों में से सबसे पहले इसको बचाएगा, जो पेंटिंग वाले ज्यादा पैसे दिए जो वेंटी पे उसको मशीन के सामान में पैसे नहीं कम है ना, लेकिन अगर उसको हमको रिक्रूट करना है तो हमें ज़्यादा मैन पावर लगेगा, ठीक है, तो ज़्यादा लोगों की जान पर लगा, तो पहले हम उसको निकालेंगे इसी तो रेंज चल अच्छा वॉकिंग चले जाओ, है ना, वो तो वैसे भी नहीं उठ सकता जोश पड़ा हुआ, लेकिन अगर उसके सामने हम उसको निकालना है तो वो दहशत में भरेगा जो होश में है, है ना, कई बार ऐसा होता है लोग कूद जाते हैं कभी, तो हम पहले उसको सेव करेंगे, पेशेंट सेव करेंगे। अब इसके बाद आती है माल बचाने की जिम्मेदारी कि जो हमसे बच जाए, तो इसमें सबसे कीमती प्रोडक्ट होता है पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड, कि वो फाइल बची रहेगी तो वो इलाज कंटिन्यू करेगी उसका चल सकता इसी दूसरे हॉस्पिटल में। फिर आती है महंगे महंगे इक्विपमेंट्स, जो वेंटिलेटर है, डिफिब्रिलेटर है, ECG मशीन है, इनको निकालना, लेकिन उस सब में हमें उनको भी रास्ता देना होगा जो आग बुझाने आए, इन्हें बोले रुका भी, ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोड रेड। अब चौथा है लड़ाई झगड़ा, है ना, झगड़े तो हो ही जाते हैं, पैसों को लेके तो किसी चीज़ को लेके, उसमें हम कैसे बचें, वो है हमारा कोड वायलेट का पर्पस, वायलेट इक्वल टू वायलेंस, ठीक है। अब इसमें जब झगड़ा नहीं हो रहा है तो वहां पर नर्सिंग स्टाफ को या डॉक्टर को नहीं जाना होता है, सिर्फ मैनेजमेंट की टीम जाती है वहां पता करती है कोई झगड़ा, लेकिन जैसे ही कोड अनाउंस होता है उसके बाद के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, है ना,
और गार्ड भी कुछ कोने में छुप जाता है। उस पैसेज में सामने तक कोई नहीं दिखाई देता, हमें छुप के बैठना। उसका कारण ये कि जिससे झगड़ा हुआ है वो फोन करके बाहर वालों को इन्फॉर्म करता है, और वो भीड़ अगर एक बार अंदर घुस गई तो फिर हम किसको बचाएंगे? खुद ही को बचाएंगे या भागेंगे? लेकिन यहाँ हमको उस पर टाइम मैनेज करना है कि पुलिस आ जाए। तो जब हम ताला लगा के, जब कुछ दिखता नहीं है ना, तो सामने वाला गुस्सा में जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमको अपने इमोशन जाहिर करने के ऑब्जेक्टिव पड़ती है, खुशी या गुस्सा। तो सामने दिखता है तो और गुस्सा आता है, गाली देते जब तक कि वो बना जाए, जब उसको दिखे जाए वो चिल्लाएगा डराएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर दिख रहा है तो वो शांत नहीं बैठेगा, वो पत्थर भी मारेगा, वो गालियाँ भी देगा, सब करेगा। उतने में हमको ये मौका मिल जाता है कि भाई हम ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, और जैसे ही कोई झगड़ा करता है कोर्ट अनाउंस होता है, दरवाजे बंद होते हैं, और टीम जब आती है ना उसके पास में, तो वो ऐसे घबरा जाता है ये क्या हो गया। लेकिन हम उसे चिल्लाते नहीं, उसे प्यार से भाई साहब क्या हो गया, आप कहते हैं मामला शांत, ठीक है। अब वो ना तो किसी के लिए बाहर जाने के लिए खुलेगा, ना किसी पेशेंट के अंदर आने के लिए खुलेगा, क्योंकि वो स्थिति बहुत डिफरेंट है।